नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव के दौरान जारी बयानबाजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पर्सनल लॉ के सवाल पर घेरा है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ दोबारा लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि क्या ये देश शरीयत से चल सकता है, क्या आप चाहते हैं कि 3 तलाक का कानून दोबारा आ जाए। अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल गांधी ये सब तुष्टीकरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है यहाँ हम पर्सनल लॉ को दोबारा नहीं लाने देंगे। ये देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाए। मामले पर आज 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया। कहा जा रहा है कि अदालत ने आज मामले की सुनवाई नहीं की क्योंकि बेंच नहीं बैठी। वहीं अब सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ ये याचिका उनके पीलीभीत में दिए गए भाषण के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के लिए वोट मांगते समय कथित तौर पर हिंदू और सिख देवताओं का संदर्भ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के 7 ईवीएम के वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते दौरान अदालत ने बैलेट पेपर की मांग को भी खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है क्योंकि लोकतंत्र अपने विभिन्न स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित है। इस पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों पर आधारित रहा है। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है, इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वे न्यायपालिका हो, विधायिका आदि हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्च उसी से वसूला जाए, और अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे खर्चा वापस किया जाए। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। आज इन्हीं लोगों को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश भर से माफी मांगनी चाहिए। देश में आज 2 धारा बन गई हैं। एक धारा एनडीए की है जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और आरजेडी का मकसद है देश को गुमराह करना, अपनी तिजोरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने दाने के लिए तरसा दिया है। किसी के पास नौकरी है तो जमीन छीन लो, कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। पीएम मोदी ने कहा कि यह जंगल राज की पहचान है। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद आज शुक्रवार को एमसीडी सदन की बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए सदन के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी पार्षदों के साथ विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं सदन में मेयर ने कहा कि एलजी ने मेयर चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित नहीं किया, यही संविधान की हत्या है। इसके बाद मौजूदा मेयर ने सदन की बैठक स्थगित कर दी। दरअसल आपको बता दें कि आज 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया। इसके पीछे उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री की राय नहीं होने का हवाला दिया। ऐसे में एमसीडी ने मेयर चुनाव स्थगित कर दिया। दिल्ली में आज 26 अप्रैल को होने वाला मेयर का चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले देश में दलितों
और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली MCD में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में अधिकार दिया है कि MCD के मेयर पद पर एक बार दलित समाज का व्यक्ति बैठकर सेवा करेगा, लेकिन भाजपा से यह नहीं देखा गया और इन्होंने चुनाव ही रद्द कर दिए। और इस बार इनके दलित और संविधान विरोधी इस काम में मोहरा बने भाजपा के LG साहब। आज जब दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके मेयर का चुनाव ही रोक दिया। संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर CBI की रेड चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली में ED के अफसरों पर जो हमला हुआ था उसमें आरोपी शेख शाहजहां और दूसरे आरोपियों के कई ठिकानों पर CBI संदेश खाली में रेड कर रही है। खबरों के अनुसार पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा में CBI की टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस रेड में बड़ी संख्या में देशी विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें विदेशों में बने हथियारों की संख्या ज्यादा है। देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण मतदाताओं से बात कर यह साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में BJP का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, BJP के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है, मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। उन्होंने आगे पॉइंटर्स में कारण बताते हुए लिखा कि मोदी के प्रति गुस्सा नहीं उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है लेकिन इस पर उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय है। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। BJP के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत से वोटर्स परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर BJP के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। BSP में मामूली गिरावट है लेकिन वो BJP को नहीं जा रहा। योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि अभी सिर्फ 16 सीटों पर वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति BJP के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। उन्होंने एक नोट भी लिखा जिसमें ये कहा गया है कि यह कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है, आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे देंगे। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए मतदान करने पहुंचे साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता प्रकाश राज ने बेंगलुरु में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि मेरा वोट मेरे अधिकार के लिए है, मेरी शक्ति है चुनने के लिए है कि कौन मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, संसद में मेरी आवाज कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार चुनना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, आप जिस पर विश्वास करते हैं। अभिनेता ने कहा कि मैंने उस उम्मीदवार को वोट दिया है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैंने नफरत और देश को बांटने वाले लोगों के खिलाफ वोट किया है, उस नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ वोट किया है जो हमने पिछले दशक में देखी है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक अच्छे प्रतिनिधि को वोट दिया है। देश में हो रही दूसरे चरण की वोटिंग के बीच राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र का पैसा राज्य सरकार के मंत्री ही खा जाते हैं। इसके अलावा PM मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी TMC जानबूझकर अफवाह फैला रही है, यही इंडी गठबंधन का असली चेहरा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं आपको इस गठबंधन की एक और सच्चाई बताता हूं। इस गठबंधन के लोग महिलाओं आदिवासी और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लाना चाहते हैं। इस कानून के तहत ये हर किसी की संपत्ति की जाँच कराने का ऐलान करेंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा सोना चांदी होगा उस पर कब्जा कर लिया जाए और उसका एक हिस्सा बांट दिया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए ये घोषणा कांग्रेस ने की है लेकिन TMC वाले एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ये लोग कांग्रेस के एजेंडे को मौन रहकर समर्थन कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार कांग्रेस को घेर रही BJP ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है।
बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर आज शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसके साथ एक लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा। पार्टी ने दावा किया कि यह वीडियो 2009 का है और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होने की बात कह रहे हैं। वीडियो पर भाजपा ने कहा कि हमारे दावे गलत नहीं हैं। मुसलमानों को हर मामले में तरजीह देना कांग्रेस की स्पष्ट नीति का सबूत है। भाजपा ने आगे कहा कि वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जब कभी भी देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों विशेषकर गरीब मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीब मुसलमानों को देश के संसाधनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि यह वीडियो आरक्षण से लेकर देश के संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से महिलाओं संग यौन अपराध का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले में कुछ आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती या बिना इजाजत यौन संबंध बनाए गए हैं। इन वीडियोस को लेकर कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मामले पर आपत्ति जताते हुए एक्शन की मांग की है। आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी सरकार मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करे। आयोग ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख आलोक मोहन को भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस पूरे मामले की विशेष जांच की मांग की गई है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों महिलाओं के साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया गया। इन घिनौने कामों को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया ताकि महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।